इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग है, जैसे स्वान रूप संसार, ये उपमा अलंकार है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको साख्या से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसके उत्तर होंगे। अब जो शब्द है उस शब्द से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पहाड़ की जो गुफाएं होते हैं, लोगों के अपने जो देवी देवता के मंदिर होते हैं, मस्जिद है, उसमें ढूंढते रहते हैं। विभिन्न तीर्थ स्थानों में विभिन्न योग साधना होते हैं उसमें ढूंढते हैं, लोग वैरागी सन्यासी बन जाते हैं उस मार्ग के द्वारा, उस पथ के द्वारा वह ईश्वर को ढूंढता फिरता है, लेकिन उससे ईश्वर प्राप्त नहीं होते, यानी विभिन्न जगहों पर ईश्वर को लोग ढूंढते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रचलित विश्वास है उसका खंडन किया है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर न तो मंदिर में मिलते हैं, न मस्जिद में मिलते हैं, न गुरुद्वारा में है, न काबा में है, न कैलाश में है। और विभिन्न तरह के जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, तो ये केवल ढोंग है, ये बाहरी केवल दिखावा है, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो विभिन्न धर्म या संप्रदायों में जो बाह्य आडंबर है, उन बाह्य आडंबरों का कबीर ने खंडन किया है कि इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। तो कबीर के अनुसार क्या है कि ईश्वर घट घट, घट घट मतलब क्या होता है, शरीर। तो ईश्वर हमारे घट घट में है, हर जीव हर प्राणी में ईश्वर का वास है। तो ये प्राण वायु के रूप में ये हमारे अंदर, हम जो श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें ईश्वर का वास है। यदि ये प्राण वायु हमारे शरीर से निकल जाए तो क्या होगा।